इसराइल और हमास युद्ध की आग बढ़ती जा रही है। गाजा में इसराइल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन से मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने हमास के कब्जे वाले गाजा में अपने हवाई और जमीनी हमले से जमकर तबाही मचाई है। यही वजह है कि गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसराइल की खूब किरकिरी हो रही है, तो वहीं कई देश इसराइल पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इस बीच इसराइली अखबार मारीव के सनसनीखेज दावे से इसराइल में हड़कंप मच गया है। खबर के मुताबिक इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से कानूनी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी किया जा सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आईसीसी के संभावित खतरे को भांपते हुए नेतन्याहू काफी परेशान हैं। अखबार ने बताया कि नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को गिरफ्तारी वारंट जारी करने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। ऐसा दावा है कि नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। नेतन्याहू किसी भी सूरत में जंगी हालात के बीच इसराइल की कमान अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने ब्रिटिश और जर्मन विदेश मंत्रियों की इसराइल यात्रा के दौरान भी गिरफ्तारी वारंट जारी होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। खास बात यह भी है कि इसराइल और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आईसीसी युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। इसमें न सिर्फ इसराइली पीएम नेतन्याहू और चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। इस संभावना ने इसराइली अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया है। इससे नेतन्याहू को ये घोषणा करने के लिए प्रेरित किया गया है कि इसराइल आत्मरक्षा के अपने अधिकार को कमजोर करने के आईसीसी के प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा। माना जा रहा है कि इन चिंताओं के बावजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका आईसीसी के संभावित कानूनी खतरे के खिलाफ इसराइल का बचाव क्यों नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने आईसीसी से इस पर तुरंत रुख अपनाने का आह्वान किया है। बता दें कि बीते दिनों इजरायली रिजर्व जनरल इत्ज़ाक ब्रिक ने इजरायली अखबार मारीव को कहा था कि इजरायल को युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में हार गया है। कब्जे को खतरे में डालने वाला असली सर्कस नेतन्याहू, गेंट्स, गैलेंट और हलेवी का गठबंधन था। इजरायल हमास को पूरी तरह से नहीं हरा सकता है। राफा में एक सैन्य आक्रमण इसकी संभावनाओं को बेहतर नहीं करेगा। हम वास्तव में हार गए। प्रधानमंत्री को युद्ध की तुलना में सरकार में अधिक रुचि है। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो इससे पहले इजरायली अखबार हार्ट्रेज ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए उन्हें कई क्षेत्रों में विफलता का मास्टर करार दिया था। अखबार ने नेतन्याहू की सुरक्षा, कूटनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विफलताओं का जिक्र किया था। साथ ही कहा था, युद्ध के इतने लंबे दिनों के बाद सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गाजा से इजरायली बंदियों की वापसी होनी चाहिए। भले ही ये युद्ध विराम हजारों फिलिस्तीनियों बंदियों की रिहाई या हमास को उखाड़ फेंकने की कीमत पर हो,